व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं गोवा रिवॉल्यूशन डे के साथ में। आप लोगों ने गोवा लिबरेशन डे के बारे में सुना होगा, जब गोवा लिबरेट हुआ था 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगीज से, यानी कि पुर्तगाली जो हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने 1961 तक हमारी कंट्री पे रूल किया, जब तक गोवा उसके कंट्रोल में रहा। तो 1961 में 19 दिसंबर को हम लोग यहां पर इनसे आजादी पा पाए। वो ऑपरेशन जो चलाया गया था उस टाइम पर, वो था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय भी आप लोग याद रखते हैं, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पर लेकिन आज हम लोग यहां पर गोवा लिबरेशन या फिर गोवा की इंडिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग यहां पर बात करेंगे गोवा के रिवोल्यूशन के बारे में। तो नॉर्मल सी बात है, जब रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो लिबरेशन से पहले आएगा, यानी कि आजाद बाद में होगा कोई पर्टिकुलर एरिया, उससे पहले वहां पर रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये जो रिवॉल्यूशन था, ये 18 जून 1946 में यहां पर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। हुआ क्या था, बेसिकली ये अपने फ्रेंड से मिलने गए थे यहां पर, जो कि यहां पर गोवा में रहते थे, और वो एक राइटर भी थे और एक एकेडमिशियन भी थे, जिनका नाम था जूलिया मेनेजेस। तो जैसे ही इनसे मिलने गए और यहां पर ये खबर फैली कि यहां पर लोहिया जी जो मिलने आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए इनके रेजिडेंस पर इनसे मिलने के लिए, ताकि लोहिया जी की बातों को सुना जा सके। उस टाइम पर यहां पर बैन लगा दिया गया पब्लिक मीटिंग के लिए। तो तब यहां पर जब बैन लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक मीटिंग के लिए, तो उस टाइम पर बात देखने को मिली सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट की, बात की गई कि हम लोगों को सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट यहां पर लॉन्च करना है, ताकि गोवा को लिबरेट किया जा सके। तो जो उस टाइम पर यह कॉल लगाई गई यहां पर डॉक्टर मनोहर लोहिया जी के द्वारा, वो वहां पर उस टाइम पर एक रिवॉल्यूशन के तरीके से वहां पर उसको माना गया, यानी कि एक तरीके से जो गांधी जी के द्वारा कहीं ना कहीं जो पैटर्न स्टार्ट किया गया था कि हाँ, हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, डू और डाई वाला फंडा भी आप लोग देखते हैं। पर लेकिन यहां पर जो ऐसा था कुछ कि हम लोगों को लिबरेट होना है यहां पर एक तरीके से, वो तो हम लोग बाद में जाकर हुए, पर लेकिन रिवॉल्यूशन यहां पर जो स्टार्ट कर दिया गया था वो 1946 में स्टार्ट किया गया था गोवा के अंदर। हालांकि ये अलग बात है कि ये सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे मूवमेंट अंग्रेजों के टाइम पर हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा चलाए गए, कई सारे यहां पर सक्सेस हुए और कई सारे सक्सेस नहीं हुए, तो उनके सबके अलग अलग रीजन है। तो ये भी यहां पर एक तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, इसको क्वेश्चन कर दिया गया मूवमेंट को कहीं ना कहीं, और यहां पर जो लोहिया जी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम पर। तो ये काफी उस टाइम का जो बात है, इसको यहां पर गोवा रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसके बारे में याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है गोवा लिबरेशन और गोवा रिवॉल्यूशन में। गोवा अगर लिबरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन विजय गोवा लिबरेशन से रिलेटेड है, और ऑपरेशन विजय एक और था जो कि कारगिल वॉर से रिलेटेड था, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां पर आप लोग देखते हैं गोवा लिबरेशन के टाइम पर यहां पर रिकॉग्नाइज करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के यहां पर स्टैंप भी जारी किए गए, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। गोवा आप लोगों को बताया, यहां पर ये वेस्टर्न कोस्ट पर ये देखने को मिलता है गोवा, बेसिकली आप लोग देखते हैं नॉर्थ और साउथ गोवा, तो बेसिक जो फंडा था ये साउथ गोवा के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, जो प्रोटेस्ट यहां पर निकल कर आया। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं क्विज के बारे में, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में आंसर बताऊंगा, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहले आप लोग वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में बात की जा रही है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड किस दिन सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जैसे आप लोग दुकान पर जाते हैं तो जूस पीने के लिए स्ट्रो लेते हैं प्लास्टिक का, खाना खाने के लिए प्लास्टिक की चम्मच लेते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, एक बार यूज करने के बाद में इनको फेंक दिया जाता है। ये टोटल जो मैरीन टाइम इन्वायरमेंट में प्लास्टिक है उसका कितना परसेंट यहां पर ये काउंट करती है, ये आप लोगों को बताना है सिंगल यूज प्लास्टिक। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी जो है उसके द्वारा अभी किसको यहां पर गुहार लगाई गई है कि वो अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है, प्रिफ्रेंस दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो यहां पर जो लैंडिंग लिमिट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उसको रिमूव करने की बात की है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो किसको यहां पर गुहार लगाई गई है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड की बात हमारी कंट्री में की जा रही है, किसके द्वारा रिसेंटली अभी टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट TAC ये स्टार्ट किया गया टू व्हीलर के लिए न्यू दिल्ली में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक ओल्ड गांव का जो खासकर रूरल फेस्टिवल है उसके बारे में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। अगर सूखा कहीं पर पड़ता है तो उसके चलते यहां पर ये एक तरीके की पूजा की जाती है, गांव के सब लोग बाहर चले जाते हैं, पूजा आराधना डांस वगैरह करने के बाद में पूरा एक प्रेयर करने के बाद में वापसी आते हैं फिर गांव में, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाया जा सके, वो एक प्रोग्राम था, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था, ये है क्वेश्चन। आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिएगा।
आइए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जून 18 को यहां पर ये वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग 70% जो वेस्ट होता है उसका यहां पर काउंट किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक अगर ये बंद हो जाए तो 70% हम लोग जो प्लास्टिक है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी के द्वारा आरबीआई को गुहार लगाएगी, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन यहां पर इसको डिसाइड करके चलता है तो ये अंडर होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक के अंडर में। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये ICAT, इसके द्वारा रिलीज किया गया यहां पर टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, जो कि आने वाले टाइम में भारत स्टेज 6 के लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे टू व्हीलर के लिए, ताकि ऐसे व्हीलर बनाए जा सकें जो कि इन्वायरमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट न डाले नेगेटिवली, इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वालासा, ये है देरालू, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक तरीका प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है वालसा देवरालू, यहां पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है सूखे की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आईडीएस के बारे में आप लोग रखते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहां पर डिटेल न्यूज के बारे में, क्या क्या न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट न्यूज है, आइए डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो न्यूज है यहां पर ये है माली के बारे में। पहले एक बार माली को आप लोग मैप में निहार लीजिए ताकि आप लोग यहां पर समझ सकें। ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर चलता हूं माली कंट्री के पास में। जैसे आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग बेसिकली जब वेस्टर्न अफ्रीका में जाएंगे तो यहां पर ये माली आप लोगों को देखने को मिल रही है। आसपास की जो कंट्री है ये आप लोग देखते हैं अल्जीरिया, नाइजा, यहां पर कई सारी कंट्री है, मरिटुआना, ये सारी कंट्री है, बुर्किना फेसो, इसको डिटेल में भी अभी जानेंगे। यहां पर नाम सबके दे रखा है कौन कौन सी कंट्री टच करती है। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर ये देखिए, बेसिकली अगर बात करेंगे माली के बारे में तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से लैंड से लॉक है यहां पर। और कंट्री कौन कौन सी टच करती है, 7 कंट्रीज को टच करती है, अल्जीरिया, बुर्किना फेसो, नाइजर, कोट डी आइवरी, इसके अलावा गुनिया, यहां पर इसके नेक्स्ट है मरिटुआना, और यहां पर यह है सेनेगल। तो ये है यहां पर जो इसको टच करने वाली कंट्री है। बमाको इसकी कैपिटल है, और यहां पर ये माली में बेसिकली आप लोगों को जो लार्जेस्ट रिवर देखने को मिलेगी ये नाइजर और सेनेगल में, ये आप लोग याद रख सकते हैं इसका, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। नाइजर जो रिवर है यहां पर ये कहीं ना कहीं माली की लाइफ ब्लड माना जाता है, यानी कि काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहां पर, तो ये नाइजर रिवर के बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है यहां पर दो कम्युनिटी के बीच में, एक को बोला जा रहा है डोगोन, एक कम्युनिटी है डोगोन कम्युनिटी, और दूसरी जो कम्युनिटी है उसका नाम है यहां पर फुलानी हेडा, यानी कि एक तरीके से ये फुलानी कम्युनिटी है जिसका नाम आपने सुना है ना फुलाना डिमकाना, तो उस तरीके से आप लोग याद रखते हैं फुलानी और डोगोन कम्युनिटी। जो डोगोन कम्युनिटी है ये फुलानी कम्युनिटी यहां पर ये बोल रही है कि इनके पास में जो राज्य की यानी कि माली की जो खासकर गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट है, इसी के चलते डोगोन कम्युनिटी के द्वारा 130 फुलानी विलेजर्स को मार दिया गया अभी रिसेंटली। दोनों के बीच में जो बहस थी वो थी यहां पर लैंड के यूज को लेकर और पानी और वाटर, यानी कि एक तरीके से जमीन और पानी को लेकर यहां पर इनके बीच में लड़ाई थी, और ये काफी लंबे समय से यहां पर चली हुई आ रही है। अभी रिसेंटली ये काफी आगे निकल गई बहस, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई और 130 से ज्यादा लोगों को यहां पर मार दिया गया डोगोंग के द्वारा। ये माना जा रहा है कि डोगोंग को यहां पर सहायता प्राप्त है यहां पर जो माली की मिलिट्री की है, इसीलिए यहां पर ये इस तरीके की हरकतें कर पा रहे हैं। बाकी मैप मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा माली के बारे में, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो कि नेशनल न्यूज है। यहां पर नेशनल डेटा वेयर हाउस के बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है वो ये है, हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसको आप लोग CSO बोलते हैं, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसको आप लोग NSSO बोलते हैं, दोनों को मिलाकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की है, यानी कि इनको मर्ज किया जाएगा और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहां पर बनाया जाएगा जो कि डेटा इकट्ठा करेगा। हमारी कंट्री में जो भी डेटा तैयार किया जाता है वो अब तक ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, अब इनको मर्ज कर एक ऑर्गेनाइजेशन यहां पर डेटा तैयार करेगी, और इसी के चलते नेशनल डेटा वेयर हाउस यानी कि जहां पर डेटा रखा जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये यहां पर ये काम करने वाली है इस डेटा को इकट्ठा करने का। आखिर करना क्या है, देखिए बिग डेटा एनालिटिकल अगर आज आप लोग देखेंगे आज के डेट में ये काफी बड़ा टूल बन चुका है मार्केट को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए आप लोग जाकर सर्च करते हैं, यानी कि आप लोग मान लीजिए पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग देखने हैं, पॉलिटी बाय वीर अगर आप लोग सर्च करेंगे, और यहां पर ये पॉलिटिकल लेक्चर तो हालांकि फ्री है, अगर ये पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों को बेचने स्टार्ट कर दिए जाए तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को वो एक तरीके से रिकमेंडेशन में आने लगेगा अगर इसकी मार्केटिंग की जाए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल लेक्चर 180 है और एक रुपए का एक लेक्चर है, 180 रुपए में आप लोग सारे पॉलिटिकल लेक्चर खरीद सकते हैं, तो होगा क्या बेसिकली जैसे आप लोग सर्च करेंगे और ये कोई वेबसाइट पर भी अगर अपलोड कर दूं मैं
इनका जो लिंक है तो आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगेगा, यानी कि कोई भी सामान अगर आप लोग खरीदते हैं अमेजन से या कहीं से भी जाकर तो वो आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगता है बार बार। तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं। तो यहां पर ये एक तरीके की मार्केटिंग हो गई यहां पर, यानी कि आप लोगों को जो आप लोग सर्च कर रहे हैं वही चीजें बार बार आप लोगों को दिखाई देना, ये एक नेटवर्क का सिस्टम है जो कि आप लोगों को वो चीज खरीदने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने सर्च कर ली तो आपके मन में तो कहीं ना कहीं था ना कि वो चीज आप लोगों को खरीदनी है, तो बार बार घुमा फिरा के आप लोगों को यहां पर ये दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हां, एक बात और, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपके पॉलिटिक्स के जो लेक्चर हैं वो कई सारे लोग यहां पर इनको बेच भी रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को लगती है तो आप लोग मुझे बताइए, तुरंत उसके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया जाएगा। एक बार को ये हो सकता है कि यहां पर पॉलिटिक्स के जो लेक्चर हैं आप लोग किसी को पढ़ा दीजिए जाकर, आप लोग इनको यूज कर लीजिए किसी भी तरीके से, पर लेकिन इनको किसी भी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करना है। यानी कि जब मैं फ्री इनको प्रोवाइड करा रहा हूं, मैंने मेहनत की है सारे लेक्चर, मैंने रिकॉर्ड अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और कोई और इनको बेच रहा है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं मेरे राइट का हनन यहां पर हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। तो अगर कोई भी आप लोग कहीं पर भी दिखता है मेरा कोई भी लेक्चर, कोई भी पीडीएफ या कोई भी कंटेंट जो मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराता हूं, अगर आप लोगों को कहीं पर भी लगता है कि वो पेड प्रोवाइड आप लोगों को किया जा रहा है, उसके पैसे आप लोगों से कोई ले रहा है, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए, उसके खिलाफ एकदम एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो कोई यहां पर किस तरीके से आप लोगों से पैसे ले सकता है, तो आप लोग इस तरीके से किसी के चक्कर में मत आइएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, कोई पैसा नहीं लेगा। और मेरे नाम से भी अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो प्लीज मुझे आप लोग इन्फॉर्म कीजिए, आप लोगों के पास में सारे लिंक है कहां पर आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, फेसबुक पर या फिर जीमेल पर आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर फ्रेमवर्क अगर रहेगा तो हमारी कंट्री में ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस यहां पर निकल कर आएगा, जिस तरीके से यहां पर चीजों को टैकल कर पाएगा। हालांकि हमारी कंट्री में नेशनल स्टैटिस्टिकल्स कमीशन है जो कि फंक्शन करता है इंडिपेंडेंटली इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। अब देखने वाली बात है कितना डेटा हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं और कैसे यूज कर पाते हैं। मान लीजिए कल को हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करना है कि हमारी कंट्री में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में एक हायर एजुकेशन है और अच्छी डिग्री है और अच्छा एक्सपीरियंस है, पर उनके पास में इंप्लॉयमेंट नहीं है। तो ये तभी तो हो पाएगा जब हम लोग के पास में डेटा होगा, तो वही डेटा यहां पर इकट्ठा इसके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से इस सारे सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, तो कैबिनेट के द्वारा यहां पर अप्रूवल कर दिया गया ताकि एनुअल सर्वे सर्विसेज हैं सेक्टर की अलग अलग यहां पर वो प्रोवाइड कराया जा सके। एनुअल सर्वे जो है वो आराम से यहां पर इकट्ठा किया जा सके, अच्छे से सर्वे कंडक्ट कराया जा सके, टाइम यूज सर्वे यानी कि जो भी सर्वे कराने हैं, जितने भी तरीके सर्वे कराने हैं, वो सारे डेटा इकट्ठा करने के लिए आराम से कराए जा सके और जो रिफॉर्म लेकर आना है वो रिफॉर्म भी यहां पर लाया जा सके, जिस तरीके से एडवाइजर कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट एंड स्टेटिक्स के द्वारा बेस रिविजन की बात की गई थी। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए रिसेशन आया, ठीक है, तो रिसेशन आ गया तो काफी बुरा ईयर है, पर लेकिन एक अगर नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में क्या पैदावार हुई है, तो उसको बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर मान के फिर बोलते हैं कि यार उस नॉर्मल ईयर में तो इतना पैदा हुआ था, अभी अगर 2011 बेस ईयर है किसी चीज का और आप लोग 2019 में काउंट करेंगे तो ये देखेंगे उस बेस ईयर से कितना ज्यादा बढ़ा है या फिर कितना ज्यादा घटा है, तो उसके बेस पर बोल देते हैं कि ग्रोथ अच्छी है या फिर ग्रोथ बुरी है। तो ये सारा कब होगा, जब हमारे पास में अच्छा डेटा होगा। तो डेटा इकट्ठा करने की बात आती है घुमा फिराकर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। देवी सनानंद गौड़ा आज की डेट में यहां पर मिनिस्टर हैं, जो गठन किया गया था इसका 1999 में इसका गठन किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, डिपार्टमेंट है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये इसके डिपार्टमेंट है आज की डेट में इस मिनिस्ट्री के अंदर में। डेटा वेयर हाउस इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, सारा डेटा अलग अलग लेवल पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। देखिए होता क्या है, अलग अलग एरिया में अगर इस तरीके से डेटा गवर्नमेंट के पास में होगा ना, तो डेटा गवर्नमेंट के पास होने की वजह से गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसीज बना सकती है। जिस तरीके से बाहर की कंपनी आज के डेट में ये डेटा को यूज करके अपना फायदा उठा रही है, ऐसे हम लोग इस डेटा का यूज करके जनता के फायदे के लिए, खासकर जो ऐसा तबका है सोसाइटी का जिनको सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पाती है, उनके बारे में कुछ अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल्स कमीशन के बारे में भी आप लोग यहां पर जान लीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यहां पर ये जो ज्यूरिडिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, 2005 में इसका गठन किया गया था। नेशनल जो यहां पर स्टैटिस्टिकल्स कमीशन है ये 1 जून 2005 में रिकमेंड किया गया था यहां पर, ये है यहां पर रंगराजन कमेटी, तो इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, कमीशन के द्वारा बताया गया था जब इसका गठन किया गया था। काम क्या करता है ये, काम ये करता है कि जो भी स्टैटिस्टिकल्स जो एजेंसी है जो डेटा इकट्ठा करती है उनको डेटा कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखते हैं। फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव थे सुरेश तेंदुलकर कमेटी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि यहां पर गरीबी के बारे में बात करती है हमारी कंट्री में। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बातें की जा रही है एनसेफेलाइटिस के बारे में।
एनसेफेलाइटिस जो बीमारी है, दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे कई बार, एक तो बोलते हैं यहां पर एक्यूट, ये यहां पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जिसको AES बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसको JE आप लोग बोलते हैं। तो मुजफ्फर जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, गया के अंदर जापानीज इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और किसकी वजह से होते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहली बात यहां पर ये इंसेफेलाइटिस अगर वर्ड हो, ना तो एक्यूट लगाओ और ना ही यहां पर कोई जापानीज लगाओ, तो ये एक तरीके की ब्रेन स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से इंफेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। ब्रेन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, खासकर कंफ्यूजन होने लगता है एक तरीके से, कई सारी प्रॉब्लम यहां पर चीजों में ढंग से उसको समझ नहीं पाते, तो कई प्रॉब्लम निकल कर आती है। अब जानते हैं क्या क्या बातें हैं एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। तो ये जो एक तरीके का फीवर है जो कि रिसेंटली अभी लीची की वजह से देखने को मिल रहा है, ये बिहार के अंदर कई सारे बच्चों में प्रॉब्लम निकल कर ये आ रही है। तो ये एक तरीके से रेयर बैक्टीरियल डिजीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और बच्चों की जान भी इसकी वजह से जा रही है। तो ये एक वायरल इंसेफेलाइटिस है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से मोस्ट कॉमन कॉजेज अगर देखें आप लोग, या अगर बात करें जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में, तो ये ऐसा नहीं है, ये मॉस्किटो बोन यहां पर बीमारी है, यानी कि ये मच्छर जनित बीमारी है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है अगर हम लोग यहां पर ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं तो। और ये जो भी यहां पर प्रॉब्लम सारी बताई गई है ये कहीं ना कहीं काफी कॉमन देखने को मिलती है। अगर बात करें जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के अंदर, ये है वेस्ट नाइल वायरस के अंदर और यहां पर ये है चांदीपुरा वायरस, ये अलग अलग वायरस है जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। और अलग अलग राज्य है आसाम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में काफी लार्ज स्केल पर लगभग 80% जो केसेस हैं वे इन्हीं तरीके की बीमारी से यहां पर देखने को हमारी कंट्री में मिल रहे हैं। कई बार स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो स्पेसिफिक न्यूज अगर पूछी जाती है तो JEV जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के बारे में, तो यहां पर एक तरीके से फ्लाई वायरिडाइज ये एक फैमिली है जो वायरस की उसकी तरीके से ट्रांसमिट होता है। मच्छर जो खासकर राइस के फील्ड में, यानी कि जहां पर चावल उगाए जाते हैं उनमें ब्रीड करते हैं, वो वाले जो मच्छर होते हैं उनकी स्पीसीज होती है, उसकी वजह से यहां पर ये बीमारी फैलने को देखती है, जो कि एक क्लुक्स स्पीसीज मेनली जो क्लुक्स, यह है टाइट्रेनोहोर्नेस, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर ये निकल कर आती है। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा टर्म बेसिकली याद रखते हैं कि जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है वो राइस में जनित जो मच्छर है उसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो इस तरीके से आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। अच्छी बात यहां पर यह है इसकी कि ये इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिशन इसका नहीं देखने को मिलता है, जो कि यहां पर बेसिकली जो बीमारी होती है वो एनिमल से अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक एनिमल जैसे हैं उनसे यहां पर ये जो होती है खासकर मच्छर जनित बीमारी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं एक बार को, यानी कि अगर इंसान को हो जाती है तो उसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन जानवरों से ये बेसिकली देखने को मिलती है, जो कि एनिमल में एक एनिमल से डोमेस्टिक एनिमल पिग, वाइल्ड बर्फ, इनमें आप लोगों को वाइल्ड बर्ड होगी, इनमें से आप लोगों को इंसेक्ट अदर देन मॉस्किटो तो ये फैलाती हुई नजर आती है, खासकर साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या फिर ईस्ट एशिया में ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। लग तो किसी को भी सकती है पर बच्चे जो हैं वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्टेड होते हैं। रीजन क्या है, वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं, देखिए बिहेवियर चेंज होने लगता है, लो स्किल देखने को लगती है इंसान का अंदर, इसी के साथ में थकावट बहुत ज्यादा होने लगती है, ज्यादा स्लीप आने लगती है, डेली जो रूटीन है वो भी ढंग से याद नहीं आता है, उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम होते लगती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगता है, इनएबिलिटी होने लगती है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, इमोशनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आने लगती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, थिंकिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, चीजों को ढंग से सोच नहीं पाते हैं, सूंघने के बाद में जो टेस्ट पता चलता है कि कैसे यहां पर सूंघा जा रही है वो यहां पर एक तरीके से खत्म होने लगती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है जब ये बीमारी होती है। तो यहां पर आप लोगों के सामने पिक्चर भी है, ये एक हेल्दी ब्रेन की पिक्चर है जो आप लोगों के सामने है। अगर यहां पर ये एक्सरे अगर यहां पर देखा जाए, अगर एनसेफेलाइटिस इन्फेक्शन हो गया तो आप लोग देखते हैं ये बीमार दिमाग हो गया, जो इस तरीके का आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बीमार के अंदर काफी खलबली यहां पर मच जाती है, दिमाग जो है वो ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। और बाकी जो मैंने अभी आप लोगों से बात की यहां पर आप लोग देखते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में, मच्छर अगर काटता है यहां पर ये पक्षियों को पशु को काटता है, इसी के साथ में इंसानों को तब ये मच्छर काटता है, ये अभी जो मैंने सारी बात की ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सर में दर्द, वोमिटिंग, फीवर वगैरह ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि इसी के साथ में अगर देखें तो यहां पर एब्डोमिनल पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मसल में पेन देखने को मिलेगा, सर में दर्द देखने को मिलेगा, तो कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप लोगों को आज के में नजर आता है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, लापरवाही न बरतें, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है फालतू में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर जरा सी लापरवाही बरती, तो ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी को भी आसपास के इंसान को ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को दिखती है तो तुरंत उसको चेकअप कराने के लिए बोलिए, लापरवाही बरती तो हो सकता है कि कल सुबह आप लोग फिर उस इंसान से न मिले, ऐसी भी दुर्घटनाएं हो रही है बहुत लार्ज स्केल पर, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसके बारे में सीरियस जरूर हो जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसी भी परिवार में या फिर यार दोस्त में।
बाकी अगर बात की जाए वेस्ट नाइल फीवर के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था अभी, तो ये भी इसका होस्ट वायरस जो है वो बर्ड है। बर्ड जो है यहाँ पर बेसिकली ये मच्छर के कनेक्शन में आती है और मच्छर इंसानों के कनेक्शन में आते हैं, तो मच्छर से इंसानों को भी और यहाँ पर जानवर को भी ये फैल जाता है। तो मॉस्किटो अगर बर्ड को काटता है तो यहाँ से इसके अंदर भी फैल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। यही हाई फीवर, सर में दर्द, ये स्टफनेस, सारी चीजें बेसिकली वही है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखेंगे ना तो एक मोटा मोटा तौर पर सर में दर्द देखने को मिलेगा, वोमिटिंग वगैरह देखने को मिलेगी, काफी लार्ज स्केल पर फीवर होता हुआ नजर आएगा। कई तरीके से जो बॉडी में आप लोगों को सिम्टम ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर विजन लॉस की भी बात की जा रही है, तो पैरालिसिस भी कई बार देखने को मिलता है। तो कोई भी जरा सा भी प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है ये डिफेंस के बारे में है और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। कारगिल विजय दिवस, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी, विजय दिवस के बारे में, तो आप लोग यहां पर बात करते हैं, इसको विजय ऑपरेशन के नाम से पुकारा जाता है। एक विजय ऑपरेशन तो वो था जो गोवा को लिबरेट किया गया था 1961 में, एक विजय ऑपरेशन ये था जिसको कारगिल वॉर के नाम से पुकारा जाता है। 1999 में यहां पर जब यहां पर घुसपैठी देखने को मिले थे तो उनको मारकर भगाया गया था कारगिल और सियाचिन जो ग्लेशियर वाला रीजन है वहां पर, तो उस टाइम पर ऑपरेशन का नाम रखा गया था विजय ऑपरेशन। यहां पर अभी 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसके, तो 20 साल को कंप्लीट यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए 25 से 27 जुलाई तक हमारी कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा और थीम रखी गई है रिमेंबर रिजोए और रिन्यू। ठीक है, तो यानी कि ट्रिपल आर तरीके से आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ट्रिपल आर है यहां पर इसकी थीम जो कि यहां पर फोकस करने वाली है, इसको किस तरीके से हम लोग को एंजॉय करना है। तो यह है बेसिक ऑब्जेक्टिव, यही है कि ताकि नेशनलिज्म और देशभक्ति की भावनाएं हमारी कंट्री में लोगों के अंदर लाई जा सके और जिन शहीद जिन जो सोल्जर हैं जिन्होंने उस टाइम पर अपनी जान की बाजी लगाकर ये इस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री को फिर से हमारी कंट्री का झंडा एक तरीके से उसी पोजिशन पर फिर से लहराने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से याद करने का भी दिन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर, ये कोई भी नाम आप लोगों को देखने को मिले तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखेगा। 20 साल कंप्लीट इसको हो चुके हैं ऑपरेशन को। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को कोई बोलूं कि एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उस टेस्ट सीरीज में मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा आप लोगों को और वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा एग्जैक्ट 9 बजे शाम को या फिर मॉर्निंग में जब भी आप लोगों को बोलूं, और आप लोग क्या करूं वो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दे दूं, आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को आराम से सोल्व करें, पर लेकिन देखने को क्या मिले, आप लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कुछ बंदे ऐसे हैं 4 या 5 बंदे जिनके ऊपर आप लोगों से कभी नंबर, जिनके नंबर हमेशा आप लोगों से ऊपर रहते हैं, और बल्कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो वे कितने लेकर आते हैं, 199 नंबर लेकर आते हैं, 190 नंबर लेकर आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ये 3-4 जो बंदे हैं इनको मैं पेपर आउट कर दूं, तो तभी उनके पास से पेपर पहुंचेगा, तभी वो इतना नंबर ला पाएंगे, और बाहर वाले जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको वहां पर इस तरीके से उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से फेवर करना ट्रेडिंग के अंदर, ये यहां पर ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। यानी कि सामने वाले इंसान को इंटरनल इन्फॉर्मेशन देना जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, इनसाइड की इन्फॉर्मेशन मिल गई कुछ लोगों को, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो सेबी ने बोला है कि ये गलत तरीका है, यहां पर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसी के चलते इसने यहां पर जो प्रोबेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 है उसमें अमेंडमेंट करने की बात की है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से यहां पर सिचुएशन निकल कर आती है तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहां पर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोले, जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में बोला तो बेच रहा है वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट तरीके से। तो ये इनसाइडर जो ट्रेडिंग है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंटली रेगुलेट नहीं हो पाती है और मार्केट भी ढंग से नहीं चल पाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रोकने की यहां पर बात की गई है। अब यहां पर बात की आ गई कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताएगा कौन, तो उसी का यहां पर प्रोविजन किया गया है। मुखबिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो अंदर की इन्फॉर्मेशन देता है, तो अगर कोई मुखबिर यहां पर ऐसा कोई निकल कर आता है जिसको यहां पर इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा ताकि यहां पर एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सेबी ने इसी के बारे में बोला है कि यहां पर अगर कोई करता है तो 10% मनी जो है वो एक तरीके से रिवार्ड के तौर पर दी जाएगी, जो यहां पर मनी देखने को मिलेगी। मिनिमम जो यहां पर 5 करोड़ यहां पर बोला गया है, सब्जेक्ट जो है अगर कैप यहां पर 1 करोड़ की है, यानी कि होता है एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी यहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जितने जो मनी होगी यहां पर उसका 10% यहां पर रिवॉर्ड जो है अगर मॉनेटरी फॉर्म में यहां पर उस पर्सन को दिया जाएगा जो कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन रिवील करता है कि हां ऐसा कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर होंगे उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा ऐसी एक्टिविटीज से।
इसी के लिए यहां पर बात की जा रही है, एक इन्फो, एक यहां पर ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बनाया जाएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में देखा जाएगा, कंप्लेंट जो भी रहेगा उसको बचाया जाएगा ताकि कोई उसके ऊपर उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है सेबी के द्वारा। तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा, सेबी को जो स्टेब्लिश किया गया था 1992 में किया गया था और ये एक स्टैच्यूटरी स्टैच्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है जो कि 1992 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सिक्योरिटी एक स्टैच्यूटरी यहां पर प्रोग्राम है। अजय त्यागी आज की डेट में यहां पर इसके अंदर चेयरमैन है और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो फॉर्मर गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी उनके द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा 2018 का इंग्लिश राइटर अमिताव घोष को। तो ये लिटरेरी अवार्ड है यहाँ पर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराती है। बेसिकली ये फाउंड किया गया था 1994 में। ये है साहू शांति प्रसाद जैन, ये साहू जैन फैमिली है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं वो ग्रुप है वो यहाँ पर बेसिकली ये प्रस्तुत करता है और ये दिल्ली में बेस है। लिटरेरी अवार्ड है जो कि यहाँ पर ये दिया जाता है जिसको आप लोग भारतीय ज्ञानपीठ एक तरीके से ये अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तीन अवार्ड यहां पर इसके साथ में आप लोग याद रखते हैं। एक है यहां पर मूर्ति देवी अवार्ड जो कि यहां पर ऑल लैंग्वेज में दिया जाता है, ऑल इंडियन लैंग्वेज में बिसाइड इंग्लिश, यानी कि यहां पर सारी लैंग्वेज में दिया जाता है इंग्लिश को छोड़कर जो कि खासकर इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर नवलेखन जो अवार्ड है यहां पर ये यंग जो ऑथर है इंडियन हिंदी लैंग्वेज में जो यहां पर फर्स्ट क्रिएशन जिनकी देखने को मिलती है उनको यहां पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है यहां पर ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो हमारी लिटरेचर में देखने को मिलता है ये उनको दिया जाता है हमारी कंट्री में। बेसिकली होता क्या, हमारी कंट्री में जो राइटर है इंडियन लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है जिनको आप लोग खासकर मेंस के पेपर के बारे में बात करते हैं तो वो देखने को मिलती है, खासकर उनके बारे में बात की जा रही है, ये भी इंक्लूड की जाती है। और यहां पर इंडिया यहां पर इंडियन जो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके साथ में इंग्लिश में भी ये ज्ञानपीठ अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और यहां पर ये पोस्टमसली किसी को नहीं दिया जाता है, यानी कि अगर किसी की जान चली जाती है तो उसको यहां पर ये नहीं दिया जाता है अवार्ड, यानी कि जिंदे इंसान को दिया जाता है। और ये देखा जाता है कि लास्ट 20 ईयर में कैसा इसका प्रोग्राम रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले में इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी ज्ञानपीठ अवार्ड में इंग्लिश को इंक्लूड किया गया। यहां पर इंग्लिश राइटर ही है जिनको ये दिया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहां पर यह अमिताव घोष जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कई सारी इनकी रचनाएं जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं क्या क्या लिखा गया है, शैडो लाइंस, द ग्लासेस प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है, हंग्री टाइड, ये सारी इनके द्वारा यहां पर लिखी गई किताबें हैं। 11 लाख रुपए और ब्रॉन्ज जो रिप्लिका यहां पर सरस्वती की है वो दी जाएगी जो कि यहां पर बेसिकली एक तरीके से अवार्ड की फॉर्म में दी जाती है। इंडियन राइटर है इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अमिताव घोष जो है ये विनर है यहां पर 54वें ज्ञानपीठ अवार्ड के, यानी कि 54वां अवार्ड यहां पर इनको दिया गया है। तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके के। जन्म जो हुआ था कोलकाता में हुआ था इनका, इसके बारे में ये हल्की सी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी तो और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में अगर यहां पर बात की जाए तो ये लिटरेरी प्रेजेंटेशन यहां पर देखने को मिलती है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर हमारी कंट्री में किसी को दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था यहां पर, ये है जी शंकरा ग्रुप ग्रुप जो कि यहां पर 1965 ये यहां पर फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1965 में और एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में और रिसेंट अभी दिया गया है अमिताव घोष को। तो ये कुछ बातें हैं जो आइडिया रखते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो है यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। हमारी कंट्री को बोला गया कि चाइना को रिप्लेस कर देंगे 2027 तक, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी और ग्लोबल पॉपुलेशन भी आने वाले टाइम में इंक्रीज हो रही है अनदर 2 बिलियन, यानी कि अनदर 2 बिलियन यहां पर ये हो जाएगी लगभग 2050 तक, जो कि 7.7 बिलियन है 2019 में, 9.7 बिलियन यहां पर आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि 2 बिलियन के करीब और पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इसी के साथ में इंडिया जो एस्टिमेट यहां पर लगता है 1.37 बिलियन पॉपुलेशन, जो कि चाइना यहां पर 1.43 बिलियन पॉपुलेशन 2019 में अगर एस्टिमेट करें, 2027 में जब बात करेंगे तो हम लोग काफी आगे चाइना से यहां पर निकल चुके होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं इंडिया एक्सपेक्ट लगा रहा है कि 273 मिलियन पीपल यहां पर 2050 तक अगर आप लोग देखेंगे तो रिमेन जो रहेंगे मोस्ट पॉपुलस कंट्री यहां पर हमारी कंट्री ये मिलने वाली है, यानी कि इंडिया की अगर बात की जाए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो यहां पर नियरली अगर देखा जाए चाइना को यहां पर रिप्लेस कर देगी, अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी 2050 में यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिल रही है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन
चाइना की 1.1 बिलियन, इसी के साथ में नाइजीरिया 733 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट 434 मिलियन, पाकिस्तान 403 मिलियन। तो ये कंट्री के बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। 2050 तक 50 कंट्री एस्टिमेट करती हैं पॉपुलेशन श्रिंक 1%, और इसी के साथ में देखिए हमारी कंट्री की अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई तो काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। चाइना की पॉपुलेशन अगर बात की जाए यहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं श्रिंक करी है 2.2%, यानी कि चाइना की अगर देखा जाए 31.4 मिलियन यहाँ पर 2050 तक यहाँ पर श्रिंक करेगी, यानी कि इनकी पॉपुलेशन में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, हमारी कंट्री में काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पर रजिस्टर तैयार किया गया है ये यूएन के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर काफी बढ़ती आप लोगों को नजर आएगी। ये बोला गया कि यूएन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल अफेयर के द्वारा यहाँ पर ये डेटा तैयार किया गया है। कुछ बातें हैं जो आर्य आप लोग रखते हैं, चाइना और इंडिया आप लोग देखते हैं यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, बाकी इंडिया बोला जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। चाइना, नाइजीरिया, ये सारी कंट्री है जिनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की बात की जा रही है। पीएमओ का जो ऑफिस है यहाँ पर, उनके जो यहाँ पर सेक्रेटरी थे जिनका नाम है यहाँ पर, ये है नरिपंद्रा मिश्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और पीके मिश्रा को एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर बनाया गया, यानी कि फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। पीएमओ का जो ऑफिस है, पहले इसको पीएमओ का ऑफिस नहीं बोला जाता था, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट बोला जाता था 1977 तक, फिर मोरारजी देसाई जी के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको पीएमओ ऑफिस बना दिया गया। पूरा स्टाफ यहाँ पर रहता है जो कि इनके हिसाब से यहाँ पर काम करता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है, जो सेक्रेटरी होते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जैसे बात करते हैं, ये जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया गया था। ये कुछ बातें जो याद रखते हैं, ये है दोनों पर्सनैलिटी जो कि आप लोगों के सामने पिक्चर में है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले नेशनल पार्क डिस्कस करते थे, अब आप लोगों को डिफरेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अलकनंदा रिवर के बारे में बात की जा रही है। अलकनंदा रिवर एक हिमालयन रिवर है, उत्तराखंड में पाई जाती है। दो ग्लेशियर यहाँ पर बेसिकली है जिनका नाम आप लोग याद रखते हैं, एक का है सतोपंत और दूसरे का नाम है भागीरथ खराक। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए अलग अलग तरीके से, हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और हिंदू मैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अलकनंदा जो रिवर है ये माना जाता है कि आगे चल के ये गंगा स्ट्रीम को फॉर्म करती है। अगर हिंदू मैथोलॉजी के बारे में बात करें तो भागीरथी रिवर को यहाँ पर बोला जाता है कि वो आगे चल के इसको फॉर्म करती है। तो बाकी अगर डिटेल में आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अलकनंदा, देख सकते हैं इस तरीके से। आगे चलकर यहाँ पर ये कई तरीके के जो मीटिंग पॉइंट होते हैं इनके, जैसे कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग, पर लेकिन आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये अलकनंदा, भागीरथी यहाँ पर बोला जाता है, बना रही है गंगा। तो कुछ बोलते हैं यहाँ से गंगा निकल कर आ रही है, और बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अलकनंदा आगे चलकर गंगा बनती है। तो ये दो पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं यहाँ पर। आज जो आप लोगों का इकोनॉमी का पोर्शन है जिसको जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है, ये आजादी के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी उसका पार्ट टू है जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इकोनॉमी को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर गुस्सा आता है जब रिव्यू नहीं करते हो, तो गुस्सा नहीं होना, रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की गोवा रिवोल्यूशन के बारे में, डिटेल में जाना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज था, उसका आंसर आप लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया यहाँ पर जो माली में जो प्रॉब्लम चल रही है, दो कम्युनिटी आपस में भिड़ गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल डेटा वेयर हाउस के बारे में डिटेल में जाना, कौन कौन से ऑफिस मिलकर एक सिंगल ऑफिस बनाया गया वो भी समझा। एनसेफेलाइटिस के बारे में कई सारी चीजें जानने को मिली, जापानीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने को मिला ये वेस्ट नाइल वायरस के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कारगिल वॉर दिवस, ऑपरेशन विजय, सब हम लोगों ने जाना। सेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में जाना जो कि डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। पॉपुलेशन की बात की जा रही है और यहाँ पर हमारी कंट्री में रीअपॉइंटमेंट पीएमओ के अंदर जो पर्सनैलिटी है वो जाना। ये था आज का रिवर और ये था आप लोगों का इकोनॉमी सेक्शन। आइए अब डालते हैं आज के क्विज के ऊपर नजर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है जो खासकर नेशनल डेटा वेयर हाउस की हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर जो नया ऑफिस बनाया गया है उसका नाम आप लोगों को बताना है। विजय ऑपरेशन की जो बात की जा रही है इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो किसके द्वारा इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, गोपाल कृष्ण गांधी जी के द्वारा किस नोटेड राइटर को अवार्ड देने की बात की गई है, ज्ञानपीठ अवार्ड। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में कब यहाँ पर रिप्लेस कर देगी चाइना को, और इसको बेसिकली
किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ये था आज का डिस्कशन। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से और फेसबुक से जाकर, दोनों जगह आप लोगों को ये मिल जाएगा। बाकी अगर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजें पहुंचाई जाए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। मॉर्निंग में जो लेक्चर होगा वो आप लोगों का साइंस का लेक्चर होगा, जनरल साइंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाली वीडियो में। तो आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।